खबर लखनऊ से है, जहां एक दंपति को लंबे समय के बाद औलाद का सुख नसीब हुआ। माता पिता बनने की उम्मीद छोड़ चुके दंपति को सहारा हॉस्पिटल में इलाज के बाद वो खुशी मिली जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सहारा हॉस्पिटल की डॉक्टर रिचा ने इस बारे में विस्तार से बताया कि मां की सूनी गोद कैसे उन्होंने भरी। आइए सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर रिचा का। पेशेंट वंदना ने, जिसका अभी मैंने सिजेरियन किया है, जब वो पहली बार मुझे उसने हॉस्पिटल में दिखाया था तो वो और उसके हस्बैंड बहुत दुखी थे क्योंकि उन लोग के 5 बच्चे खराब हो चुके थे और ऑब्वियसली इसकी वजह से वो दोनों बिल्कुल टूट चुके थे और उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि अब उनका बच्चा हो पाएगा। फिर और उसके बाद उसको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। जब उसने मुझे पहली बार दिखाया तो पहले तो मैंने दोनों को आश्वासन दिया कि इतने बच्चे खराब होने के बावजूद इलाज है जिससे कि उनका अगला बच्चा सही तरीके से किया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ की मैंने जांचें कराई। सारी जांचें कराने के बाद जब कारण का पता चला तो वंदना और उसके हस्बैंड का इलाज किया गया। जब वंदना ने कंसीव किया तो फिर सबसे पहले तो मैंने उसको भरोसा दिलाया, उसको आश्वासन दिया कि अब की बार उम्मीद है मुझे कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसके इंजेक्शन और दवाइयाँ शुरू हुई। पेशेंट ने मुझे रेगुलर फॉलोअप किया और उसके बाद इस बार थैंकफुली उसका सब कुछ ठीक गया और जब समय आया तो सिजेरियन द्वारा उसके बेबी बॉय हुआ। और इसके लिए मैं सहारा हॉस्पिटल की टीम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे वो सारे टेस्ट मौजूद हैं जो कि बार बार मिसकैरेज होने में हमें कराने की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से उस पेशेंट का टेस्ट हो पाया और अभी वो दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि उनको फाइनली अपना बेबी मिल गया है और उनका परिवार पूरा होगा।